वेलकम टू पहलगाम। सो फाइनली पहलगाम में आ चुके हैं और ये रहा खूबसूरत नज़ारे। अमेजिंग यार, चारों तरफ ये देखो, बहुत दूर तक सेब के बगीचे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। जगह का नाम क्या पड़ता है? एप्पल वैली। क्या खूब लगती हो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली अभी हम रूम चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं पहलगाम। दो दिनों की बुकिंग है हमारी पहलगाम में। जतिन भैया रेडियो में, जतिन भैया कुछ बोलिए। गुड मॉर्निंग। चलते हैं बाहर और कुछ बाहर का नज़ारे दिखाते हैं, उसके बाद दिन स्टार्ट करते हैं। फाइनली वी आर रेडी और हमारे पास चार बैग थे, तो दो बैग यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं और दो बैग साथ लेके जा रहे हैं। सो ये नज़ारे थे सुबह सुबह, उठ के यहाँ बैठना, फिर नज़ारे बाहर का देखना। सो अमेजिंग प्लेस। नीचे गिरते हैं। कैसे हैं आप लोग? फाइनली वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो हम जा रहे हैं पहलगाम। अभी हम अपने बोट पे सवार जा रहे हैं कश्ती किनारे के पास। सो यहाँ से हम अपनी स्कूटी लेंगे और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से पहलगाम 88 किलोमीटर दूर है। शायद 3 से 4 घंटे लगेंगे, कि रास्ते में भी मौसम इतना खूबसूरत होगा ना कि वहाँ भी बैठने का मन करेगा। तो जतिन भैया, हाउ द जोश? बिल्कुल जोश है जतिन भैया में। फाइनली निकल चुके हैं अपने स्कूटी पे। तो एक मिनट बचा था पार्किंग टाइम, सो दौड़ के गया, दौड़ के लेके आ गया। तो अभी हम हैं बिजबेहरा में। बिजबेहरा। तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेने हैं और लेफ्ट लेने के बाद सीधा पहलगाम की तरफ। अंदर शूट करना है, यहाँ करने देंगे। सेब का बगीचा है ना अंदर, यहाँ से जाने दे, इधर से आते हैं, गर्म हो जाएगी फिर। खराब हो गए हैं तो। यार मतलब रास्ते से जा रहे थे पहलगाम की तरफ, क्या था वो बहरा, वहाँ से जब इस अंदर लेफ्ट साइड लिया ना, तो सेब के इतने बगीचे मिले रास्ते, एकदम दोनों साइड पेड़ के बगीचे हैं और बीच से रास्ता जा रहा है। सो इतना खूबसूरत दिखाई दिया ना, तो हम एक यहीं पे रुके हुए फार्म है और उनसे पूछा कि क्या हम अंदर शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस छूना मत, तोड़ना मत। बोला ओके, कोई बात नहीं। अमेजिंग यार, चारों तरफ ये देखो, बहुत दूर तक सेब के बगीचे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, और बीच से कारें जा रही हैं। सो बहुत ही अमेजिंग था। और ये देखो कितना नज़दीक है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, है ना अमेजिंग। सो अलग ही मज़ा है कश्मीर में, हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वो एप्पल जूस भी है, यहाँ से बगीचे से तोड़ते हैं और आपको जूस निकाल के देते हैं। ट्राई करेंगे, यहाँ से निकलते हैं तो वो बस इन्हीं का शॉप है। सो पहले ये बगीचे देख ले, बहुत ही अमेजिंग है यार, अमेजिंग। ये देखो इतना नज़दीक से, अमेजिंग यार। वेरी कूल। और मौसम के हिसाब से ये लाल होते होंगे। तो भैया ये है ग्रीन एप्पल, सो और इधर है रेड एप्पल,
दोनों एक ही पेड़ के हैं ना भैया, ज्यादा दिन हो जाते हैं तो फर्स्ट कटिंग है और यही बड़ा होगा तो रेड आता है। चार शरीफ से एक गाँव है, वहाँ से आता है और यहाँ के सब पेड़ के अभी ये वाले जो रेडेबल थे वाइट ग्रीन एप्पल भी हो जाएंगे सितंबर में रेडी। ये सितंबर में लाल हो जाएंगे पूरा पूरा। ओह माय गॉड, इतना इतना आधा किलो एक होता है एक एक। तो ये जो एप्पल है ना ग्रीन एप्पल, ये आधा आधा किलो तक हो जाता है सितंबर तक भैया बोल रहे हैं। तो ये 60 रुपये का आया था एप्पल जूस और पूरा नेचुरल, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। एप्पल ऐसा लग रहा है कैसा लगा? ग्लास तो बहुत बढ़िया है, कॉफी कैफेटे की तरह। जूस भी बढ़िया है, नेचुरल है, इसमें झाग है, कुछ डिफरेंट टाइप का जूस है। नेचुरल है ना, थोड़ा सा पानी मिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, आइस नहीं है, शुगर नहीं है, वाटर नहीं है, फ्लावर नहीं है, मिल्क नहीं है, मादा नहीं है, ओनली झाग की चीज है। झाग उसका होता है ना, जूस का झाग होता है, एप्पल का जो झाग होता है, मीठा रहता है। चलो भाई बढ़िया है। ये आपका जगह का नाम क्या पड़ता है? एप्पल वैली। एप्पल वैली, बिल्कुल एप्पल वैली पड़ता है। पहलगाम जाते हो आप, यहाँ रुक सकते हो, सेब वगैरह बाय कर सकते हो और अपनी मर्जी से अगर आप सेब खुद तोड़ना चाहते हो, वैसे तो अभी ढंग से पके नहीं है, सीजन में तोड़ सकते हो, सीजन में तोड़ के अपनी चॉइस के सेब वो आप यहाँ तुलवा सकते हो और पैक करवा सकते हो। यहाँ पे ABCD एप्पल जूस फ्रेश मिलता है। ABCD वो क्या होता है? ABCD फिल्म देखी है ना जो, उसी का जूस मिलता है ना। हाँ जी, एनीबॉडी कैन ड्रिंक ABCD जूस। ABCD जूस मिलता है। फाइनली वेलकम बैक टू पहलगाम। हमने होटल ले लिया है, होटल हमने पहले भी बुक कर लिया था रात को वहाँ से चलने के पहले, लेकिन वो था ना पे ऑन होटल, जो पे करने थे ना होटल पे आए करने थे। तो हमने कुछ सोचा कि रास्ते में और भी होटल देख लेते हैं, अच्छा लगे ना तो वहाँ चेक इन कर लेंगे। तो 2-3 होटल हमने देखा, पसंद नहीं आया और चार्ज भी ज़्यादा थे। ये होटल जो हमने लिया है ये भी वैसे ही हुआ, खोलते खोलते मिल गया। नज़ारे अगल बगल के बहुत ही अच्छे हैं, सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस होटल के बारे में बात कर लेते हैं। ये होटल हमें पड़ा है 900 पर डे, सो बहुत ही अमेजिंग होटल है और आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे वुडन हाउस होता है, लकड़ी का घर होता है और एक महाराजा, क्या बेड बोलते हैं ना इसे, महाराजा साइज। सो महाराजा लोग सोते हैं, जैसे महाराजा एंड महाराजा, सो डबल महाराजा वन रूम्स, महारानी कोई नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और अभी एडिट चल रही है, जितिन भी अपना ब्लॉग डाल रहे हैं कश्मीर का पहला ब्लॉग, सो आप जरूर वहाँ पे देखिएगा। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं बेताब वैली। बेताब वैली आपने नाम सुना होगा, बेताब मूवी देखी होगी, सनी देओल की बेताब मूवी सबसे पहली मूवी है, सनी देओल की बेताब मूवी सबसे पहली है, उसी मूवी के नाम पे उस वैली का नाम ही बेताब वैली रख दिया गया। अभी वहीं पे जाएंगे। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो होने वाला है बेताब वैली एंड लोकल, शाम को कुछ खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। सो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने श्रद्धा अनुसार लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो थैंक यू। अभी हम हैं बेताब वैली में और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी।
सो गाइस ये फाइनली वो घर है जहाँ पे सनी देओल की मूवी शूटिंग हुई थी बेताब, और जिसका घर दिखाया गया था ना वो यही घर है। वजन जाता है मेरे होने दो। फाइनली जतिन व्यान है आज दो जल्दी घुमा टांग। गुड जॉब।